उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्ति की क्षति की भरपाई हिंसा के आरोपियों से शुरू कर दी गई है। इसी श्रृंखला में बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने 6,27,507 रुपए का एक ड्राफ्ट पुलिस प्रशासन को सौंपा। ये ड्राफ्ट पुलिस प्रशासन को सरकारी संपत्ति की हुई क्षति की भरपाई के एवज में सौंपा गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की मेहनत रंग लाई। जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में नमाज संपन्न हुई और इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने 6,27,507 रुपए का ड्राफ्ट भी डीएम एसएसपी को सौंपा। इस दौरान बुलंदशहर के संभ्रांत लोगों ने जिले में अमन बहाली के लिए डीएम और एसएसपी सहित आला अधिकारियों को फूल भेंट किए। देखिए, जो राजकीय क्षति हुई थी, राजकीय संपत्ति की गाड़ी वायरलेस सेट और कुछ और आइटम है, उसमें ये बहुत अच्छा पहल है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भी सरकारी संपत्ति खरीदी जाती है वो लोगों के टैक्स से ही खरीदी जाती है, और ये बुलंदशहर के लोगों ने इस बात को फील किया कि सरकारी संपत्ति की क्षति हमारी अपनी क्षति है। इसलिए कम्युनिटी कलेक्शन से ये 6.27 वो 6,27,507 रुपये का चेक जो राजकीय क्षति हुई थी उसका जिला प्रशासन को दिया गया है। साथ ही एक आवेदन दिया गया है कि इसको एक्सेप्ट करने के लिए और आगे ऐसा न हो इसके लिए सतत प्रयास करने के लिए। तो मैं इन लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत सरलतम तरीके से इसका निपटारा हो गया। गुड्डू खान क्रेजी मार्ट की ओर से जनपद वासियों को बड़ा दिन नई साल शुभकामनाएं देता हूं। अल्लाह ताला से यह दुआ करूंगा कि अमन शांति बनी रहे।